Hi, good morning children. How are you all? Welcome to EVS class. See, in last video we learnt about houses and different materials. So हमें एक हाउस होम बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं. सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, स्टिक्स, मड, स्ट्रॉ एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे देखिए ऊपर हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. यहाँ पे देखिए मैंने पिंक लाइन से बनाया है. यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो लाइन बनाया है ये मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट हाउस से. यहाँ पे एक देखिए ये है हट, मतलब हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. मड मीन्स मैंने बताया था कल, मिट्टी, और स्ट्रॉ से ये जो बना है एक कच्चा हाउस है, और जो ये सीमेंट और ब्रिक से बना है ये है पक्का हाउस. ओके, और हम रूफ़ के बारे में भी जाना था और मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था रूफ्स कैसे होते हैं. यहाँ पे देखिए यहाँ मैं लाइन कर रही हूँ, ये है फ्लैट रूफ़. मतलब ज़्यादातर हमारे यहाँ ये फ्लैट रूफ़ का ही घर बनता है, और जहाँ पे ये जो है स्लॉपिंग रूफ़, ये देखिए मैंने लाइन किया है, ये स्लॉपिंग रूफ़ ज़्यादातर माउंटेन्स में बनता है. मतलब वहाँ पे हिल एरिया में हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर और उत्तराखंड में ये स्लॉपिंग रूफ़ वाला मकान बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे एवरी टाइम मतलब आइस फॉलिंग होती रहती है. तो आइस अगर हम उन्होंने प्लेन रूफ़ बनाया तो आइस घर के ऊपर जम जाती है, तो इससे घर कोलैप्स हो सकता है, मतलब नष्ट हो सकता है. इसीलिए वो लोग स्लॉपिंग रूफ़ बनाते, मतलब जब भी आइस फॉलिंग हो तो आपली वो निकल जाए. ये देखिए स्लॉपिंग आप रूफ़ दिख रहा है आपको, जो इसके ऊपर आइस गिर गया ना तो अपने आप इजीली फॉल ऑफ हो जाता है, तो इससे उनका घर भी सुरक्षित रहता है. इसके बारे में हमने कल जाना था. ओके, तो आज हम जानेंगे स्टिल्ट हाउस. यहाँ पे देखिए मैंने पिंक लाइन किया है, इसको हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं. स्टिल्ट हाउस ज़्यादातर इंडिया में आपको आसाम में देखने के लिए मिलेगा. आसाम में स्टिल्ट हाउस इसके लिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है हर साल, तो इसीलिए वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. स्टिल्ट हाउस मतलब जो ऐसे लकड़ियाँ रख के ऊपर घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आने का चांसेस रहता है. ज़्यादा बारिश होने से पानी रुक जाता है. अगर हमारे जैसा उनका घर ज़मीन पे मतलब नीचे फ्लोर पे ऐसा रहा तो उनके घर में पानी घुस सकता है, इसीलिए वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं ताकि पानी अंदर ना आए. अगर पानी ज़्यादा घर के अंदर आया तो उनका घर बर्बाद हो सकता है, इसलिए वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं ताकि पानी से थोड़ा ऊंचा रहे घर. वो लोग स्टिल्ट हाउस इसीलिए बनाते हैं क्योंकि पानी में जो बारिश हुए रहती है, फ्लड आया रहता है, उनके साथ में बहुत सारे कीड़े भी आते हैं, कीड़े, सांप, बहुत सारा. तो इन सब से उनको सुरक्षित रखने में ये स्टिल्ट हाउस मदद करती है, इसीलिए वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. ओके, इससे इसका मैं ज़्यादा पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी. ये देखिए ये स्टिल्ट हाउस है. स्टिल्ट हाउस ज़्यादातर आसाम में बनता है क्योंकि वहाँ पे फ्लड आता है हर साल, बहुत सारे बारिश होती है, तो वो जो ज़मीन पे वो बनाएंगे तो वो घर में पानी घुस के उनका घर कोलैप्स हो सकता है, इसीलिए वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. ओके, ये हमने कल पढ़ा था स्लॉपिंग रूफ़ और प्लेन रूफ़. ओके,
तो हमने स्टिल्ट हाउस के बारे में जाना, आज हम टाइप्स ऑफ हाउसेस जानेंगे। स्टिल्ट टाइप्स ऑफ हाउसेस में स्टिल्ट हाउस भी एक आ गया, वो हमने पढ़ लिया। अभी देखिए, पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। हाउसेस मेड फ्रॉम ग्लूज। ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो मकान है ना, यहाँ जो मैंने पिंक लाइन किया है, ये जो मकान है ये पक्का हाउस है। पक्का हाउस मतलब कभी कोलैप्स नहीं होता। तो इस मकान में इन्होंने कौन सा मटेरियल डाला है चिल्ड्रन? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, ये सब डाला है, इसीलिए इसको हम पक्का हाउस बोलते हैं। ओके, पक्का मीन्स ये टेम्प्ररी हाउस नहीं है, परमानेंट एंड टेम्प्ररी हम आगे पढ़ेंगे। पक्का हाउस मतलब परमानेंट हाउस, ये हाउस कहीं पे भी मूव नहीं करता है। एक जगह हम जब घर बनाते हैं तो उसी घर पे वो घर वहीं रहता है, वो मूव नहीं करता है, इसलिए हम इसको परमानेंट हाउस या पक्का हाउस बताते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पिंक लाइन किया है, हाँ ये है कच्चा हाउस। कच्चा हाउस बनता है मड एंड स्ट्रॉ। आप जानते हैं ये भी मतलब कुछ हद तक परमानेंट रहता है, लेकिन इतना परमानेंट नहीं रहता है, ये टेम्प्ररी हाउस है। मतलब यहाँ पे भी ये जो कच्चा हाउस, ज़्यादा बारिश आ गई, ज़्यादा हवा तूफान आ गया तो भी ये घर नहीं बचता है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल मड और स्ट्रॉ से बना रहता है। तो ये आपको, इसको हम टेम्प्ररी हाउस ही कहेंगे। ओके, तो ये है ऊपर वाला जो सीमेंट ब्रिक से बना है, वो है पक्का हाउस, परमानेंट हाउस, और जो नीचे बना है ये है कच्चा हाउसेस। ओके, तो हाउसेस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लूज। यहाँ पे आपको दिख रहा है इग्लू, ये देखिए मैंने पिंक लाइन किया है यहाँ पे, ये है इग्लू। सम पीपल कीप मूविंग From place to place, they build houses that can be moved from one place to another. यहाँ पे देखिए हम इग्लू हाउस देख सकते हैं, जहाँ पे इग्लू है ये ब्लॉक्स ऑफ आइस से बनता है। ये हर जगह नहीं बनता है चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर पहले इस इग्लू हाउस में ये एस्किमोज रहते थे। ये हमें घर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, वो है ज़्यादातर कनाडा में। तो वहाँ पे पहले एस्किमो लोग रहते थे, वो लोग बनाते थे। आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इग्लू हाउस है, आप दिख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये है एस्किमोज। ये लोग वहाँ पे बहुत सारा ठंड रहती है, इसीलिए ये लोग इग्लूज बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे इग्लूज तो आइस ब्लॉक से बना है तो ये ठंड होगा, नो चिल्ड्रन, जब ये आइस ब्लॉक से बनता है तो बाहर जो ठंडी रहते उससे भी कम, अंदर कम तापमान रहता है, मतलब उनको हीट रखने के लिए ही ये लोग इग्लू हाउस बनाते हैं। ओके, अभी देखे हैं, मैंने बताया था टेम्प्ररी हाउस और परमानेंट हाउस। टेम्प्ररी हाउस कैसा रहता है और परमानेंट हाउस, मैंने ऊपर दिखाया था पक्का हाउस, ये परमानेंट हाउस है। ओके, अभी देखिए, सम पीपल मतलब कुछ लोग एक जगह नहीं रह सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं कारवन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने पिंक लाइन, यस ये है कारवन। कारवन हाउस ऑन व्हील्स, ये जो है व्हील्स के ऊपर एक घर चलता है कारवन। उन कारवन के अंदर बहुत सारे, उनको बाथरूम भी रहता है, छोटा सा एक किचन रहता है, बहुत सारे वो लोग अंदर सब
काम कर सकते हैं, वैसे ये हॉर्सेस रहता है। आप जानते हो जब भी मतलब हमारी जब फिल्म शूटिंग वगैरह होती है तो ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेस कारवन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ समय रेस्ट करने के लिए वो हाउस मदद करता है और अंदर उनको सारी चीज़ किचन वॉशरूम सब रहती है, तो इसीलिए वो लोग कारवन में ट्रैवल करते हैं जब भी मतलब दूर जाते हैं घर से दूर। वो लोग पहले ये लोग नोमैड्स लोग यूज़ करते थे। नोमैड्स एक वो एक पीपल थे, वो लोग ज़्यादातर कारवन यूज़ करते थे क्योंकि वो एक ही प्लेस में नहीं रहते थे, इसको हम कारावन कहते हैं। ओके, अभी हम या जो मैंने पिंक लाइन बताया, देखिए इसको हम टेंट कहते हैं। टेंट कहाँ बनाते हैं चिल्ड्रन? टेंट मतलब जब भी हम हिल स्टेशन जाते हैं पिकनिक के लिए, समझिए कि हम जब हिल स्टेशन जाते हैं तो बहुत सारा ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ पे रहने के लिए कुछ लोग टेंट्स बनाते हैं। टेंट्स एक प्लास्टिक इससे बनता है, कपड़े से, और ये टेंट भी टेम्प्ररी हाउस है, ये परमानेंट हाउस नहीं है। ओके, एक प्लास्टिक शीट आता है, प्लास्टिक शीट, तो उससे ये लोग टेंट बनाते हैं। तो टेंट बनाते हैं। अब टेंट ज़्यादातर आप देखेंगे राजस्थान में, देखिए राजस्थान में जब भी आप घूमने जाते हो जो रण उत्सव होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों ने टेंट हाउसेस बनाया रहता है। मतलब जो भी लोग वहाँ आते हैं घूमने के लिए तो उनको उतरने के लिए वो टेंट हाउसेस बनाया रहता है उन्होंने। आप में से ज़्यादातर जो भी घूम के आए हैं राजस्थान में रण उत्सव में, आपने देखा होगा टेंट हाउसेस कैसे रहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आता है हाउस बोट। हाउस बोट चिल्ड्रन, हाउस बोट में कोई रहते नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही एक घूमने की, जब भी हम घूमने जाते हैं ज़्यादातर इंडिया में हाउस बोट्स आपको श्रीनगर में मिलेंगे। इन इंडिया हाउस बोट्स एज अकोमोडेशन फॉर टूरिस्ट, ये टूरिस्ट के लिए अकोमोडेशन किया रहता है कि वो लोग हाउस बोट में ट्रैवल करें, वहाँ पे घूमें फिरें, क्योंकि वो पानी में ही घूमते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, आप केरला में भी देख सकते हो, केरला में भी हाउस बोट्स बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। वहाँ पे भी वो लोग जब भी टूरिस्ट आते हैं तो हाउस बोट में वो घूमते हैं। ओके, तो आज हमने इतना पढ़ा, तो आप वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, पहले हमने पढ़ा था हाउसेस में क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं, और पक्का हाउस क्या होती है, कच्चा हाउस क्या होती है, और पक्का हाउस बनाने के लिए हमें सीमेंट ब्रिक्स स्टोन्स की ज़रूरत है, वुड की ज़रूरत है, और कच्चा हाउस सिर्फ मड स्ट्रॉ से बनता है, और पक्का हाउस परमानेंट हाउस है, और जो हट रहता है ये है टेम्प्ररी हाउस। टेम्प्ररी हाउस आप देखेंगे कारवन है टेम्प्ररी हाउस, हाउस बोट, टेंट और एक कच्चा हाउस, ये सब टेम्प्ररी हाउसेस है। परमानेंट हाउस मतलब जहाँ हम रहते हैं, फ्लैट्स, बंगलो, विला, ये सब परमानेंट हाउसेस है। आप आगे जाके एक्सरसाइज में आ सकता है कि परमानेंट हाउस क्या है, टेम्प्ररी हाउसेस क्या है, इसीलिए मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। टेम्प्ररी हाउस में कारवन आता है, हाउस बोट एंड टेंट और कच्चा हाउस आते हैं। परमानेंट हाउस में फ्लैट्स, बंगलो, विला, कैसल, ये सब है परमानेंट हाउसेस में। आप कल के वीडियो में देखे होंगे, मैंने टाइप्स ऑफ हाउसेस दिखाया था आपको, बहुत सारे हाउसेस थे उधर और सारे है परमानेंट हाउसेस। ओके, सो कल हम क्लॉथ के बारे में जानेंगे, और जो लेट्स रिमेम्बर है वो भी हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके, हमने आज और लास्ट वीडियो में हाउसेस के बारे में जाना, और कल हम क्लॉथ्स के बारे में जानेंगे कि हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं और वो क्लॉथ्स कहाँ से आता है और कौन से सीज़न में कौन से क्लॉथ्स पहनना है, वो हम कल सीखेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो आज का आपका होमवर्क है, आप
ये जो मैंने आज पढ़ा है स्टिल्ट हाउस ये सब आप फिर से एक बार रीड कीजिए पैराग्राफ 66 एंड 67, तो आपको आइडिया आ जाएगा। और आपके लिए हार्ड वर्ड्स भी है, जो ये हार्ड वर्ड्स है आपको FNB में लिखना है, फेयर नोटबुक 4 नंबर नोटबुक में। फर्स्ट वन सिक्स वन परमानेंट, सेवन्थ वन टेम्प्ररी, एट्थ वन टेंट, नाइन्थ वन कारवन एंड टेंथ वन इज हाउस बोट। ये सारे आपके आज हार्डवर्ड से आज के, तो आप ये 4 नंबर EVS नोटबुक में लिखेंगे। प्लस देखिए हार्डवर्ड सिर्फ 10 ही है, तो आप हार्डवर्ड्स के साथ प्लीज़ बुक भी रीड कीजिए। ओके, जो मैंने कल वीडियो में समझाया था पेज नंबर 66 एंड 67 दोनों आप रीड कीजिए। आप जितना रीड करेंगे आपको एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही मज़ा आता है। ओके, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड अबाउट हाउसेस एंड देयर यूज मटेरियल्स। ओके, बी सेफ, कीप लर्निंग, बाय चिल्ड्रन।